प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार को मिल रही है जान से मारने की धमकी। उन्होंने लगाई है सुरक्षा की गुहार। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने विठल भाई पटेल हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान के उदयपुर की घटना के बाद मुझे भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी जानकारी हमने संसद मार्ग थाने की दिल्ली पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से मैं अजमेर दरगाह को लेकर लगातार बयान दे रहा हूं कि वह मस्जिद है या मंदिर, इसकी जांच पुरातत्व विभाग से कराई जानी चाहिए। इसके बाद से ही मुझे आए दिन देश विदेश से कई बार धमकी भरे कॉल आए और लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी जानकारी हमने संसद मार्ग थाने के दिल्ली पुलिस को दी है, जिसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। निरंतर मीडिया के साथियों को पता है कि हम ने 31 मई को भी FIR कराई थी पार्लियामेंट थाने में, जिसमें जान से मारने की धमकी हमें मिली थी। अभी तक ये देखिए, इसमें बाकायदा मोहर भी है। इसके बाद 3-9 तारीख को धमकी आई थी, जिसमें हमने ये देखिए लेटर सब रिसीव करा रखे हैं, और कल रात 11:30 बजे एक धमकी आई, जिसमें कहा गया कि हमारा सर कन्हैया जैसे ही काट दिया जाएगा 5 दिन के अंदर, मैं और मेरा पूरा परिवार आज सदमे में है। हम मीडिया के माध्यम से यह अपील करते हैं कि दिल्ली सरकार हमें और हमारी परिवार की सुरक्षा करे और इन जिहादियों से बचाए। देखिए, प्रशासन हमारे कतई भी प्रोएक्टिव नहीं है। प्रशासन को प्रोएक्टिव होना नितांत आवश्यक है ऐसी स्थिति में। आज की स्थिति धर्मांधता की स्थिति है, जहां पे जिहादी लोग इस कदर ढीठ हो गए हैं कि वो जानते हैं कि सरकार न आगे करेगी कुछ न पीछे करेगी, इस कारण से वो लोग धर्मांध हो गए हैं। यही कारण है कि वीडियो पहले बनाना और कार्य करने के बाद वीडियो को वायरल करना, इतनी हिम्मत अगर किसी की है तो इसमें सरकार नितांत रूप से 100% इसमें सरकार दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।